हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कैप्टन इरफान। सो आज का टॉपिक है सीबीएसई के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि सीबीएसई क्या होती है और आप किस तरीके से कौन सी सीबीएसई के लिए जा सकते हैं। मार्केट में आजकल कई तरीके की सीबीएसई आ चुकी हैं। जैसे आप देख लीजिए, इंडियन सीबीएसई बेस्ट है, लाइब्रेरियन हो गई, पनामा हो गई, होंडुरस हो गई, और कोरियन आ गई। तो ऐसे कई तरीके की मतलब सीडीसी ऑलरेडी मार्केट में है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप इंडियन हैं तो फिर इंडियन सीडीसी ही चूज़ करें। और इंडियन सीडीसी के लिए भी मतलब दो तरीके की अभी आजकल ज़्यादा चल रहा है। जैसे आपकी एज ज़्यादा हो गई तो ओपन सीडीसी के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप जीपी रीडिंग कंप्लीट करने के बाद में या डेक कैडेट कंप्लीट करने के बाद में या इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में या फ्यूटर का कोई कोर्स कंप्लीट करने के बाद में जिस तरीके से आप एकेडमी के थ्रू अगर आप सीडीसी गेन करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और ओपन सीडीसी हो गई, जैसे मतलब आपका एज कंप्लीट हो गया, या जैसे हमारे नेवी वाले जो एक्स नेवी के जो होते हैं सोल्जर, वो भी मर्चेंट नेवी में जब आते हैं रिटायर होने के बाद में, तो उनके लिए भी मतलब ये सीडीसी है कि आप बेसिक कोर्स करिए, उसके बाद में फिर आप सीडीसी के लिए अप्लाई कर देंगे तो आपको जो ये सीडीसी है वो 700 रुपये में अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा 700 रुपये में सीडीसी मिल रही है, 700 रुपये में सीडीसी की सिर्फ फीस है। मैं आपको एक बार और क्लियर कर रहा हूँ, जो ओपन सीडीसी होती है आप वेबसाइट के ऊपर में जाएंगे एमएमडी के, तो उस पर क्लियरली मेंशन रहेगा 700 रुपीज़ में आपको सीडीसी मिल जाएगी, उसकी फ़ीस होती है। लेकिन उससे पहले आपको जो सीडीसी के लिए जो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको जो बेसिक कोर्स है वो करना पड़ेगा, मेडिकल कराना पड़ेगा, इंडोस लेना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर असेसमेंट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ई लर्निंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आपको एलिजिबल रहेंगे ओपन सीडीसी के लिए। तो गाइस, ये वाला है कि आप ओपन सीडीसी भी ले सकते हैं और जो 6 महीने का है वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा जैसे आप 6 महीने के लिए जब जाते हैं शिप ये अपना करियर बनाने के लिए, तो आप जीपी रीडिंग अगर कर रहे हैं तो 6 महीने के लिए आप एकेडमी में जाइए और आप पहले सर्च कीजिए कि कौन सी एकेडमी अच्छी है। कई एकेडमी आजकल ओपन तो हो चुकी है, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, सारी एकेडमी बेस्ट है क्योंकि सब एमएमडी के थ्रू अप्रूव्ड हैं। तो मैं उसमें से भी आपको मैं कहूँगा कि आप उसमें से भी आप कंपेयर कीजिए कि आपके लिए कौन सी एकेडमी बेस्ट रहेगी, कि मतलब उसके मतलब लास्ट पीछे का आप चेक कीजिएगा कि मतलब किस तरीके से वो एकेडमी वो कर रही है। कई एकेडमी जैसे काउंसलिंग कर रही है जैसे, तो उसमें आपको कैरियर के लिए जैसे आप किसी आप सीडीसी मिल गई, आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू के सामने जब आप अपना सीवी प्रेजेंट करेंगे तो वो सामने जब एकेडमी का नाम देखेगा तो उस पर आप काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और ओपन सीडीसी हो गई है कि चलो ठीक है, मतलब आप हैं और आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, आपकी एज ख़त्म हो गई है या एक्स नेवी है या सो एंड सो, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो फिर आप इंडियन सीडीसी निकालिए, उसके बाद में फिर आप कई कंपनीज में सर्च करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि जॉब कई लोग मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं सर मैं इंडियन सीडीसी निकाल लिया हूँ या मैंने डेक कैडेट किया हुआ है या मैंने जीपी रेटिंग की हुई है या मैंने इंजन डिपार्टमेंट से ऑयलर का वो लिया हुआ है, ट्रेनिंग की हुई है, तो उसके लिए फिर प्लेसमेंट के लिए बहुत दिक्कत आती है। तो प्लेसमेंट के लिए हर जगह दिक्कत आती है, आप कोई भी फील्ड में हो जाइए, आप लैंड जॉब में भी कहीं पर भी आप जाते हैं तो सामने वाला आपसे पहले आपको जज करेगा, उसके बाद ही मतलब लेगा। तो वैसे ही मर्चेंट नेवी भी है, मर्चेंट नेवी में भी समझ लीजिए ये आपको कंपनी हर चीज़ की सहूलियत देती है, हर चीज़ की सहूलियत देती है, तो वो भी वो चाहती है कि उसके पास में अच्छे कैंडिडेट्स आएँ, तो वो भी मतलब जो अच्छे बच्चे रहते हैं उन्हीं को मतलब पिक करेगी, क्योंकि समझ लीजिए अभी
कोई कहता है कि सर मेरे को इंग्लिश कुछ भी नहीं आती और मैं मर्चेंट नेवी में जाना चाहता हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मर्चेंट नेवी में इंग्लिश इसलिए नेसेसरी है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है। आप ये जो मर्चेंट नेवी रहती है उससे आप हर दुनिया दुनिया का हर कोना घूम सकते हैं। तो जो इंग्लिश है वो इसलिए कंपलसरी है कि आप उस जगह पे जाके अपना जो भी प्रॉब्लम रहेगा या अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो आप इजीली इंटरनेशनल लैंग्वेज से आप अपना वो दूर कर सकते हैं, इसलिए इंग्लिश कंपलसरी की गई है। और दूसरी बात फिर सीडीसी के बारे में आते हैं, तो जैसे सीडीसी हो गई है तो मैं प्रिफर कर रहा हूँ कि इंडियन सीडीसी जो इंडियन कैंडिडेट्स हैं वो इंडिया की सीडीसी के लिए ही अप्लाई करें। मार्केट में आ गई है, जैसे मैंने पहले भी बताया था अपने वे पनामा आ गई है, पनामा भी आपको बहुत कम रेट में मिल जाएगी। उसके बाद में फिर लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन भी कम रेट में मिल जाएगी। और ये सारी ये शॉर्ट टर्म के लिए तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपको गोल बनाना है, जैसे आप ऑफिसर रैंक में जाना चाहते हैं और अपना करियर और आगे तक देखना चाहते हैं, तो फिर आप इंडियन सीडीसी ही चूज़ कीजिए। क्योंकि उसके बाद में फिर जैसे आप पनामा पनामा लेंगे, पनामा लेने के बाद में फिर एग्ज़ाम कहाँ देंगे, फिर पनामा का ही सर्टिफिकेट के लिए एग्ज़ाम देंगे आप, थर्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम देंगे, फिर सेकंड ऑफिसर का एग्ज़ाम देंगे, चीफ ऑफिसर का, फिर मास्टर का सर्टिफिकेट तो पनामा का भी मिल जाएगा, लाइब्रेरियन का भी मिल जाएगा, हॉन्डुरस का भी मिल जाएगा। लेकिन जो इंडियन की वैल्यू है वो आपको ये सारे ये सारे विकल्प में नहीं मिल पाएगी। जैसे आप पनामा का सोच लेंगे कि मैं 1 मिनट ले लूँ इंडिया का, तो नहीं। हाँ, आप इंडियन सीओसी के बाद में इक्विवेलेंट आप किसी का भी ले सकते हैं। जैसे अभी आप उदाहरण देता हूँ मैं, आपकी शिप अगर यूएई में है और वहाँ का जो फ्लैग है वो यूएई फ्लैग है, तो वो इंडियन सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट में वो गवर्नमेंट आपको वहाँ की वो सर्टिफिकेट इशू करेगी। वो भी जैसे वीज़ा रहेगा, जैसे उन लोग का टाई अप रहता है, तो उस हिसाब से आपको वहाँ का सीओसी इजीली मिल जाएगा। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं पनामा का लेके जाऊं और इंडियन सीओसी ले लूं, तो इंडियन सीओसी या यूके सीओसी बहुत टफ हो गई है। तो मैं यही प्रेफर करूंगा सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से कि अगर आपको जाने का है तो आप इंडियन सीडीसी के लिए ही जाइए। ओके, और तो अगर आपको और भी अगर कुछ इंक्वायरी करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, और मेरी तरफ से बेस्ट विश। लेकिन यही रहेगा कि आप सही राह चुनिए, एजेंट के चक्कर में मत फंसिए, डायरेक्ट एकेडमी में जाइए और वहाँ से सीढ़ी से निकालिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।